गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर ट्यूटर फॉर फिजिक्स पंकज मानेकर। आज हम दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब वेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और बिल्कुल उसको कहते हैं ना, एक आंखों में भर लो उसको, अपने नज़रों में भर लो कि ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं थोड़ा सा सिक्वेंस के लिए आपको बता देता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू सी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोजिशन वेक्टर हो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, हम देखने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना। फिर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, है ना। यूनिट वेक्टर को वैसे हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है फ्रेंड्स, बट हम उसको फाइंड आउट भी करेंगे, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेट भी करेंगे। और फिर हम मोस्टली ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। और अगर वक्त ने, ये मैं फोर्थ पॉइंट अगर मैं इफ में रख रहा हूँ, अगर टाइम ने अलाउ किया तो हम पैरालेलोग्राम भी पढ़ेंगे। पर पैरालेलोग्राम पढ़ेंगे या नहीं ये मैं टाइम के ऊपर थोड़ा सा छोड़ना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो आज के क्लास में कवर हो जाएगा, बट लेट्स सी इफ इट इज ओके। तो हम उसको वैसे ही कवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलो एक बार वन बाई वन हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार पूरा थोरोली कॉन्सेप्चुअल वे से जाऊंगा। आप उसमें कुछ भी अगर डिफिकल्टी फाइंड आउट करते हैं तो मुझे ज़रूर पोस्ट करिए, मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने जा रहा है। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स क्या है ये फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक। वेक्टर कैसा है कि समझ के चलो कि कोई एक पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है या कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है। कल के क्लास में हमने पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया। मान के चलो देयर इज अ पॉइंट पी और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 2, 3, 7 ऐसे कोऑर्डिनेट्स है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर पी, है ना, ये होगा आपका 2 इन द आई कैप डायरेक्शन, 3 इन द जे कैप डायरेक्शन और 7 इन के कैप डायरेक्शन। मतलब 2 यूनिट्स इन द एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स इन द वाई एक्सिस एंड 7 यूनिट्स इन द जेड एक्सिस डायरेक्शन, ऐसा हो जाएगा। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मान के चलो कि वेक्टर पी कुछ ग्राफिकली ऐसे दिखता है, ये उसका टेल है और ये उसका हेड है। मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना मतलब सिंपली ये लेंथ को फाइंड आउट करना, ये वाली लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे इस वेक्टर की, ये वाली लेंथ है ना, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं वेक्टर का। चलो ठीक है, कैसे पता करें, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। इस वेक्टर p को मैं अगर एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं, ये होगा x i cap प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसी को हमने एक्चुअल में लिखा था वेक्टर p को 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो अगर आप कंपेयर करोगे आपको समझ में आ रहा है, आई कैप का कोएफिशिएंट x है, आई कैप का कोएफिशिएंट 2 है तो x इज इक्वल टू 2 है। सिमिलरली j का कोएफिशिएंट y, मतलब j का कोएफिशिएंट 3, मतलब y इक्वल टू 3। ये तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, इसको लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए, है ना। लिखने का तरीका, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर को लिख दो और उसको उस वेक्टर को मॉड साइन के अंदर लिखो, है ना, या फिर आप सिर्फ p लिख दो और कोई बार मत देना उसके सर के ऊपर, उसके है ना टोपी मत देना, कोई कुछ मत लिखना, बस p लिख दो या फिर उसका मॉड में डाल दो वेक्टर p को, ये हो गया मैग्नीट्यूड। कैसे निकालें, बहुत ही ज्यादा आसान टेक्निक है, आप देख लीजिए। आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट कौन है, वाई है तो वाई का स्क्वायर, और के कैप का कोएफिशिएंट है जेड तो जेड का स्क्वायर। अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के हिसाब से जाएंगे तो मॉड ऑफ पी क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या होगा दोस्तों, एक्स का स्क्वायर है, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट 2 था, हियर इन द केस 2 का स्क्वायर,
y का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर y कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर. नाउ दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 9 प्लस 49, है ना, और ये होगा आपका 9 प्लस 49 इज 58 प्लस 4 इज अंडर रूट 62. नाउ दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p. ऐसा लेके चलते हैं, है ना, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे हमने देख लिया. अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं सिंपली, फाइंड, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका किसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू एंड क्यू पी वेयर पॉइंट पी इज गिवन एज 2, 1, 3 एंड पॉइंट क्यू इज गिवन एज 1, 5, 4. ऐसा हम कुछ ले लेते हैं. हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन से, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब हम क्लियर करेंगे. और आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, मैंने अभी मोड़ दिया है आपको, मैं अभी ये क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ. और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीजें अब इसमें से क्लियर हो जाएगी. सॉल्यूशन, हम क्या क्या चाहते हैं, हम सबसे पहले पी वेक्टर का पोजिशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, देन क्यू का पोजिशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड. पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि कहीं तो भी पॉइंट पी होगा, कहीं तो भी पॉइंट क्यू होगा, है ना. अगर देखा जाए एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं एक डायग्रामेटिकली कि कहीं तो पॉइंट पी है, कहीं तो पॉइंट क्यू है. तो वेक्टर ओपी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, वेक्टर ओ क्यू इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, है ना. ये वेक्टर पी होगा, ये वेक्टर क्यू होगा. तो वेक्टर ये वाला, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसका ये वाला पी क्यू, वेक्टर पी क्यू ऐसे बनेगा. बट अगर आप क्यू पी को देखेंगे तो क्यू पी कुछ ऐसे बनेगा, वेक्टर क्यू पी विल बी लाइक दिस. तो हमें पहले इस डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर का भी, देखो एक साथ चार क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऐसा लिख लेता हूं, पोजीशन वेक्टर पी एंड क्यू आर. पोजीशन वेक्टर पी क्या है, पी वेक्टर है जब उसके कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो 2i कैप प्लस ये है 1, तो ये हो जाएगा सिंपली j कैप प्लस 3k कैप. 2i प्लस j प्लस 3k इज योर पोजिशन वेक्टर ऑफ p. सिमिलरली पोजिशन वेक्टर ऑफ q क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1i, तो i को हम 1 में नहीं लिखते, प्लस 5j प्लस 4k. दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ p एंड q. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखने लगते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां पे मैं कैसे लाइन खींच देता हूं. नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कौन से कौन से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स पी क्यू एंड क्यू पी. पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो पी क्यू वेक्टर ये होगा, P और Q पूछा है तो इनिशियली वेक्टर स्टार्ट हुआ P से और एंड हुआ Q पर, है ना. ये अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, P से स्टार्ट हुआ Q पे गया, तो इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट Q है, तो हम करेंगे Q माइनस P, हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर P. तो ये हो जाएगा आपका I प्लस 5J प्लस 4K और माइनस ये होगा दोस्तों आपका P is 2i plus j plus 3k. That is your position vector PQ. आप directly भी कर सकते थे, कैसे, सीधा Q minus P, 1 minus 2 करके, फिर 5 minus 1 करके, वगैरह वगैरह, है ना. हम directly भी इसको ऐसे कर सकते थे.
हम अब क्या करेंगे, 1 माइनस टू इज माइनस आई, सिर्फ आई के कोएफिशिएंट आई के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे और जे के साथ के के साथ, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4j और 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1k। ऑलराइट, ये होंगे आपके कोएफिशिएंट ऑफ या वेक्टर PQ। तो ये हो गया वेक्टर PQ। सिमिलरली जब आप वेक्टर QP निकालोगे तो आपको एक तो डायरेक्टली आना चाहिए, कैसे, एक तो आप क्या करोगे P माइनस Q करोगे, या फिर अगर आप थोड़ा सा कल का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन याद करते हो तो माइनस वेक्टर PQ, अगर PQ ऐसा है तो QP कैसे होगा, उसका नेगेटिव होगा, बस उल्टा ही तो करना है, वही क्वेश्चन वेक्टर रहने वाला है। आप एक तो P माइनस Q से करके देख लीजिए, मैं आपको ये वाले तरीके से माइनस ऑफ PQ बताता हूँ, तो PQ इज माइनस आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप, उसको हमने क्या कर दिया, सामने से माइनस लगा दिया, इस माइनस को अंदर लेते चलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर QP विल बिकम I कैप, ये होगा माइनस 4j कैप और माइनस k कैप। नाउ दिस इज योर वेक्टर QP। नाउ वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी वेक्टर। मैंने आपको क्या किया, पहले पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहा, फिर पोजीशन वेक्टर Q निकालने के लिए कहा, फिर पोजीशन, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर QP। नाउ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर P, Q, वेक्टर PQ एंड QP क्या होने जा रहा है। दोस्तों वेक्टर P का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ वेक्टर P देख लीजिए, I कैप का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस J कैप का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस K कैप का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। दोस्तों ये होगा आपका 4 प्लस 1 प्लस 9 एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट 14, दिस इज गोइंग टू बी रूट 14। सिमिलरली वेक्टर क्यू क्या होगा, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल सेम तरीका, आई कैप का कोएफिशिएंट 1, सो दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 5, दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 4, दिस इज 4 का स्क्वायर। सो नाउ दिस इज 1 प्लस 25 प्लस 16, तो ये होने जा रहा है अंडर रूट के अंदर ये होगा 16 या 25 प्लस 15 कितना हुआ 31, दिस इज अंडर सॉरी 42, दिस इज गोइंग टू बी 42, ठीक है, रूट 42। नाउ इस वाले इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, PQ का मैग्नीट्यूड वही PQ को मॉड के अंदर लिखिए। देखो जिसका भी मैग्नीट्यूड लेना है उस वेक्टर को लिखने का तरीका भी समझो, यू हैव टू राइट मॉड, है ना, फॉर दैट वेक्टर, उस वेक्टर को आप मॉड के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, वेक्टर PQ हमने अभी निकाल के रखा था कि माइनस वन आई कैप, यहां पर देखिए आई कैप का कोएफिशिएंट माइनस वन है तो आई विल टेक माइनस वन का स्क्वायर प्लस 4 है 4 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर। ध्यान में रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों बिल्कुल अच्छे से, कि माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो प्लस 1 होगा, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर भी 16 और ये हो गया प्लस, नाउ अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 18। तो मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या मिला आपको, अंडर रूट 18, है ना। और सिमिलरली मैं आपको एक बहुत अच्छी एक बात बताने जा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ QP देखिएगा एक सेकंड के लिए, के वेक्टर PQ जो था वो कुछ ऐसे दिखता था, सोचिए कि वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड निकाला मतलब क्या किया, हमने इस वेक्टर की लेंथ निकाली है कि भाई P से लेके Q का डिस्टेंस कितना है, और वेक्टर QP कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा,
क्यूपी, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो सेम ही होगी ना, वेक्टर तो सेम ही है वो, बस उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर पीक्यू इधर जा रहा है तो वेक्टर क्यूपी इधर जा रहा है, पर ये जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो दोनों जगह सेम है, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पीक्यू ही तो लेंथ ऑफ पीक्यू होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है किसी भी वेक्टर का, तो जो मैग्नीट्यूड पीक्यू का है वही मैग्नीट्यूड क्यूपी का रहेगा, रहना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वेक्टर क्यूपी क्या होगा, वेक्टर क्यूपी चलो मैं एक बार निकाल के भी बता देता हूं, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों 1 प्लस जे कैप का क्या है -4 एंड इट्स स्क्वायर, और के कैप का फिर एक बार क्या है दोस्तों -1 एंड इट्स स्क्वायर, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 + 16 + 1 दिस इज गोइंग टू बी 18। देयरफॉर चाहे दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो, देयरफॉर मैं एक रूल लिखने जा रहा हूं, फॉर एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल भी नहीं करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स है, ये इक्वल तो है बट अपोजिट वेक्टर्स है, उनके लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। देयरफॉर मैं बस ऐसा लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू पी इज सेम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे होगी, ये है पी से क्यू तो वेक्टर पी क्यू, और ये है क्यू से पी तो ये है वेक्टर QP। दोस्तों क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है इसी का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। आप नागपुर से वर्धा जाइए 85 किलोमीटर चलोगे या वर्धा से नागपुर आइए तो भी 85 किलोमीटर ही चलोगे, तो डिस्टेंस जो आपने कवर किया, जो लेंथ कवर किया, चाहे अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें अगर, तो आपको पता चलेगा नागपुर से वर्धा जाओ या वर्धा से नागपुर, सेम डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे डिस्टेंस ही तो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे यही तो आपका मैग्नीट्यूड है। तो होपफुली आपको अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आ चुका है ना, आप उसको समझ चुके हो दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं अभी निकालता हूं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के तरीके पर और उसका मतलब फिर एक बार समझेंगे। मुझे लगता है इस एक न्यूमेरिकल से आपको मैग्नीट्यूड का फंडा और ये वाला फंडा बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि वेक्टर पी क्यू इज मैग्नीट्यूड वाइज क्यू पी के इक्वल होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। वो भी कैसे पता चला, देखिए ना, वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू पी बस प्लस और माइनस का फर्क हो जाता है, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है अलग। चलो ठीक है, इसको हम अब इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में बनाया था, मतलब बोर्ड के इधर से लिखा और फिर इस तरफ चले गए। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप उसको ध्यान देके पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी कैलकुलेट यूनिट वेक्टर एनालिटिकली या मैथमेटिकली। हम ऐसा हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर एनालिटिकली, मतलब मैथमेटिकली आप उसको अब कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन है कि हमें कोई वेक्टर ए गिवन है, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, हम अब उस डिस्कशन में नहीं जाते। लेट्स कंसीडर कि आपको कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर पी कैसा है यहां पर कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका हो जाएगा जेड के कैप। ऐसे आपको क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, एक जनरलाइज्ड वेक्टर लिखने का तरीका हुआ ये, है ना। कोई भी एक जनरल वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, मान के चलो कि वेक्टर पी कुछ ऐसे दिखता है, दिस इज हाउ द वेक्टर पी लुक्स, ये O से स्टार्ट हुआ और पॉइंट P पे पहुंचेगा, ठीक है। इसकी लेंथ कुछ होगी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P क्या होगा, ये वाली लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P पर कैसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ऐसा कोई एक वेक्टर आपको ले, उसको वेक्टर भी मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर P, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी
कैसे लिखोगे, एक स्मॉल ए उसके ऊपर कैप और सफिक्स में पी, आप ऐसा लिख दो, या लिखने का तरीका पी के ऊपर कैप अगर लगा देते हो, दिस मीन्स दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी, दोनों तरीके चलेंगे। दिस इज ऑल्सो हाउ यू राइट कि वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर, एक छोटा ए निकालिए स्मॉल ए उसके ऊपर कैप निकालिए, और जिसका है वेक्टर यूनिट वेक्टर उसको लिख दीजिए पी, या फिर पी को लिख के उसके ऊपर कैप निकाल लीजिए। पर आप करोगे कैसे, फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखिए कि आपका यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी इज गिवन बाय एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि वेक्टर पी है क्या, वेक्टर पी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसको डिवाइड किया मैग्नीट्यूड ऑफ पी से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्या है, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको करना क्या है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको उस वेक्टर को लिखना होगा डिवाइडेड बाय आपको उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होगा। ये तो आपको एनालिटिकली समझ में आ गया कि एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, कंसिडर के वेक्टर पी जो है वो है माइनस थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप, ऐसा कोई एक वेक्टर आपने ले लिया, फाइन है ना। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी कैसे निकालोगे, ये होगा आपका यार पी का यूनिट वेक्टर, वेक्टर पी लिखोगे डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करोगे। दोस्तों वेक्टर पी क्या है, माइनस थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप डिवाइडेड बाय, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड निकालते हैं आई कैप का कोएफिशिएंट और उसका स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। ये हो गया आई कैप का कोएफिशिएंट माइनस थ्री एंड देन इट्स स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट टू और उसका स्क्वायर, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट सेवन एंड इट्स स्क्वायर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी माइनस थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप एंड डिवाइडेड बाय नाइन प्लस फोर प्लस 49, तो ये हो जाएगा 58 प्लस फोर 62, सो दिस इज गोइंग टू बी रूट थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा आपको अंडर रूट में 9 प्लस 49 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 50 होता है नौ करते तो 59, दिस इज रूट 62। वैसे तो यही आपका आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर है, आप 99% केस में आंसर को इसी फॉर्म में रखोगे। बट कभी कभी हमें उसकी कोसाइन वेक्टर्स पूछे जाते हैं, मैं कोसाइन वेक्टर ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 100% पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसको बस इस रूट 60 को हर एक को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एपी कैप को ऐसा लिखे माइनस थ्री अपॉन रूट 62 आई कैप, ये एक तरीका हुआ, प्लस ये टू अपॉन अंडर रूट 62 जे कैप, और फिर प्लस 7 अपॉन रूट 62 के कैप, और इस तरीके से भी आप यूनिट वेक्टर ऑफ पी लिख सकते हो, है ना, यूनिट वेक्टर आपको इस तरीके से लिखने को मिल सकता है। चलो हम इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आज हम इस क्लास में ट्रायंगल लॉ को कवर करने जा रहे हैं, बस यूनिट वेक्टर का ही कवरेज हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है 30 मिनट से ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बहुत हो गया तो 2-3 मिनट इधर उधर हम झेल लेते हैं, बट मैं चाहता हूँ 30 मिनट से ऊपर ना जाए। हाँ, अरे एक इसमें एक डिस्कशन रह गया कि जब हमको वेक्टर पी गिवन था तो वो कुछ ऐसे दिखता था, दिस वॉज योर वेक्टर पी, है ना, अभी मैंने जिसको डिलीट किया। आप ध्यान रखिए कि हमने वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर निकाला, मतलब क्या किया, यूनिट वेक्टर निकालना मतलब क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना मतलब ये तो इसकी कुछ लेंथ है भाई, कितनी है, तो हमने अभी निकाली कि वेक्टर पी की जो मैग्नीट्यूड है वो रूट 62 है, अंडर रूट 62 मतलब कुछ होगा 7 का 36, 7 का 49, 8 का 64, तो 7.8, 7.6 है ना, ऐसा कुछ होगा, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ होगी दोस्तों, रूट 62 इतनी मैग्नीट्यूड है, रूट 62 मतलब 7. कुछ तो भी होगा, मैं ऐसे ही अंदाजन 7.8 ले रहा हूँ, आई डोंट नो यही है करके ऐसे ही ले रहा हूँ, क्योंकि
64 होता तो 8 होता, अंडर रूट में 64 होता तो बाहर आके क्या होता उसका स्क्वायर रूट 8 हो जाता है ना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 से थोड़ा छोटा होना चाहिए ना, रूट 62 है तो उसका थोड़ा सा छोटा, तो 7.8 ऐसे कुछ ले लेते हैं। मैं इसमें इस वेक्टर p में क्या करने जा रहा हूं, अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, वेक्टर p का यूनिट वेक्टर निकालता हूं, मतलब इस वेक्टर p में से एक इतना टुकड़ा निकाल लेता हूं जिसकी यूनिट, जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो। देखो वेक्टर p की लेंथ कितनी है, कुछ 7.8 के आसपास है, अंदाज ले रहा हूं मैं, कुछ 7.8 के आसपास है, और ये जो रेड वेक्टर है ये है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ p, और इसकी लेंथ कितनी होगी तो आसपास ये एग्जैक्टली 1 यूनिट होनी चाहिए। तो आप उस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हो, आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हो मतलब क्या करते हो, आप उस वेक्टर में से एक ऐसा टुकड़ा निकाल रहे हो जिसका के मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका के मैग्नीट्यूड 1 हो। देखा जाए तो आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका, अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको टैली करना है तो मैं आपको टैली करके देता हूं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, हर बार 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हम पहले भी जानते हैं वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम इसका मतलब हम वेक्टर p का एक इतना सा टुकड़ा निकाल रहे हो जिसकी लेंथ 1 है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ p, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब के उसका एक छोटा टुकड़ा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आप इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहोगे तो कैसे करोगे, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, -3/√62 और उसका स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा 2/√62 और उसका स्क्वायर, प्लस 7/√62 एंड इट्स स्क्वायर। अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, 3 का स्क्वायर 9 और √62 इज 62, प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √62 का स्क्वायर 62, ये हो जाएगा 49/62। दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है तो हमने 62 लिख दिया, ये हो जाएगा 9+4+49, तो ये हो जाएगा आपका 62/62। आप चेक कर लीजिए किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हैज टू बी इक्वल टू 1। उसका नाम ही यूनिट वेक्टर है, बस मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दे रहा हूं कि हमने वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर ये निकाला था। हमारा रूल है कि यूनिट वेक्टर निकालना मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो उसी डायरेक्शन में हो, तो इसका यूनिट वेक्टर ऑफ पी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल के देखा, वो ऑटोमेटिकली 1 आया। तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, एक बात आपको समझना होगा कि हम उस यूनिट वेक्टर को निकाल क्यों रहे हैं, अगर उसी वेक्टर का टुकड़ा है, वेक्टर पी का छोटा सा टुकड़ा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी लेंथ 1 हो, क्यों किया इतना सर्कल। तो देखो दोस्तों वेक्टर पी का डायरेक्शन ऐसा है और यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम है ना, तो ये यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे टू शो द डायरेक्शन ऑफ पी। हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो या फिर टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो कोई वेक्टर गिवन है जिसका हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन ये बताता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन्स 1। मैं आपको पहले ही बता, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर रिमेन्स 1 एंड इट गिव्स यू द डायरेक्शन कि भाई वेक्टर पी का डायरेक्शन वही है जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर का रोल क्या है, उसका रोल है डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन देना।
चलो ठीक है, अब हम कुछ ऐसे ट्रायल एग्जांपल ले लेंगे और उनके यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे फटाफट, एकदम फास्ट करेंगे ये काम। अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ गई है तो अब बस हम आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, कोई भी हम ट्रायल क्वेश्चंस ले सकते हैं इसमें। कैसे, तो हम लेते हैं कि लेट अस कंसीडर के वेक्टर पी, एग्जांपल ले रहा हूँ, वेक्टर पी को दिया है 2 3, या पॉइंट पी को दिया है 2 3 1 और पॉइंट क्यू को दिया है -2 1 -3, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू एंड वेक्टर पी क्यू, पी क्यू और वेक्टर पी क्यू, मतलब पी वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर, क्यू क्या होगा पोजीशन वेक्टर, पी क्यू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले तो हम वेक्टर पी निकाल लेते हैं, वेक्टर पी क्या होगा 2i+3j+1k। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ पी होगा वेक्टर पी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, 2i+3j+k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कैसे निकाला जाता है मैग्नीट्यूड, i कैप का कोएफिशिएंट है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर ऑफ p क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2i+3j+k कैप अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4+9+1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14, दिस विल बिकम रूट 14, यूनिट वेक्टर ऑफ पी। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, वेक्टर क्यू क्या होगा, वेक्टर क्यू है -2i+1j, 1 नहीं लिखा तो भी चलता, और -3k कैप। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ क्यू, ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर ऑफ क्यू कैसे करेंगे, वेक्टर क्यू को लिख दो और फिर उसकी मैग्नीट्यूड को लिख दो, बार बार एक ही प्रोसीजर करे जा रहा हूं ताकि आप बड़े क्लियर हो जाओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, आगे कभी इसमें तकलीफ ना आए। बिल्कुल सादा से सादा बच्चा जिसको पहले मैथ नहीं आता था उसको भी अभी आने लगे, बस यही मेरा मोटिव है। तो -2i+j -3k डिवाइडेड बाय i कैप का कोएफिशिएंट है -2 और उसका स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट है 1 और उसका स्क्वायर, देखो ना j कैप का कोएफिशिएंट 1 है, k कैप का -3 है तो उसका भी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है ये, बस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका। देयरफॉर वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ q क्या होगा, -2i+j -3k एंड देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, ये देखो -2 का स्क्वायर 4 होगा है ना, ये लिखा हमने 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और -3 का स्क्वायर होगा 9। तो सब कुछ पॉजिटिव, स्क्वायर जब करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना, -3k कैप एंड देयरफॉर ये होगा आपका अंडर रूट ऑफ 4+1+9 क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा √14a³ कैप है ना। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू चलो आप डायरेक्टली निकालते हैं, पी से लेके क्यू जाना है, इनिशियली पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे एंड हुआ तो हम क्यू माइनस पी करेंगे, तो -2 ऑफ -2 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्यू माइनस पी करना है तो -2 एंड -2 विल बिकम -4i कैप। डायरेक्टली कर लीजिए आप अपना पूरा मेथड लगा लीजिए, 1 -3 is -2j कैप और -3 -1 is again -4k कैप, ये होगा आपका वेक्टर पी क्यू एंड देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, ध्यान दीजिए यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या होगा, वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर पी क्यू इज -4i+2j+4k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं अंडर रूट के अंदर हम ले जाते हैं और i कैप का कोएफिशिएंट क्या है -4 और उसका स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट -2 एंड इट्स स्क्वायर, k कैप का कोएफिशिएंट -4 एंड इट्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -4i -2j -4k डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 16+4+4 ये 16 तो 16 दुने 32 36 देखिए
माइनस फोर आई कैप प्लस माइनस टू जे कैप माइनस फोर के कैप अपॉन रूट 36. आप जानते हो कि रूट 36 क्या होगा, 6 हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी माइनस फोर आई माइनस टू जे माइनस फोर के अपॉन रूट 36 होगा बच्चों 6. तो अगर अब आप यहां पर, वैसे तो ये आंसर हो चुका है, दिस इज इनफ, बट अगर आप करना ही चाहते हो तो माइनस फोर बाय सिक्स आई कैप माइनस टू बाय सिक्स जे कैप और माइनस फोर बाय सिक्स के कैप, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है ना. तो अब अगर इसको मैं और आगे सिंप्लीफाई करता हूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस ऑफ 2/3 आई कैप, ये होगा माइनस ऑफ 1/3 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3 के कैप. दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू. इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है. सो ऐसा होगा ये 2/3 1/3 और 2/3 माइनस माइनस एंड माइनस. तो आपको अभी यूनिट वेक्टर निकालना आ चुका है, आप कुछ भी हो जाए तो उसको बड़े आराम से आप कर सकोगे. चलो हम अगले क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और एनालिटिकल मेथड, तीनों एक साथ देखेंगे एडिशन का.